हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल वेद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 3 थ्रिलर सस्पेंस मूवीज के बारे में, जो कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल बांधे रखेगी। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि तुम्हारा भाई जब भी कोई नई वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, दृश्यम 2। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.8 है और इसे 97% गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है। इस मूवी में साउथ इंडस्ट्री के लीजेंड मोहनलाल, आशा शरद जैसे कई कलाकार मौजूद हैं। आई होप आपको पता होगा कि दृश्यम मूवी जो आपने अजय देवगन वाली देखी थी वो उसी मूवी की कॉपी है। दृश्यम फर्स्ट जहाँ खत्म हुई थी वहीं से कहानी को आगे बढ़ाया गया है। वही किरदार, वही लोकेशन, अब कहानी है 6 साल बाद की। आज भी पुलिस को देख के घबरा जाते हैं और उनके परिवार को डरावने सपने आते हैं और हमेशा पकड़े जाने का डर सताता है। फिल्म की स्टोरी बहुत बढ़िया लिखी गई है। फिल्म आपको आखिर तक बांधे रखने में कामयाब होती है, तो इसे आप जरूर देखिए। नंबर सेकंड, रात अकेली है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 है और इसे 86% गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे जैसे बेस्ट एक्ट्रेस ने काम किया है। फिल्म की कहानी एक फैमिली की, जिसमें एक परिवार का मुखिया अपनी उम्र से छोटे लड़की से शादी कर लेता है और उसी रात मुखिया समेत 3 लोगों का चंद मिनटों में कत्ल भी हो जाता है। और फिर इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एंट्री लेते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो इसमें एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। जब वो केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एक के बाद एक कड़ियां खुलती हैं जो वाकई चौंकाने वाली है। ये फिल्म एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी है, इसे आप जरूर देखिए। नंबर 3, अंधाधुंध। साल 2018 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.2 है और इसे 94% गूगल यूजर्स ने लाइक भी किया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना, तब्बू, राधिका आप्टे जैसे बेस्ट एक्ट्रेस ने काम किया है। फिल्म की कहानी है एक पियानो प्लेयर की जो अंधा होने का नाटक करता है। कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब उसकी लाइफ में एक लेडीज की एंट्री होती है जो उसकी जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख देती है। जब वह पियानो बजाने के लिए एक बार कहीं जाता है तो वहां पे एक मर्डर हो जाता है। चूंकि वह अंधा होने का नाटक करता है तो वह किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल करता है, ये बिल्कुल देखने लायक होता है। ये फिल्म थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई है, तो इसे भी आप जरूर देखिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के मूवीज के रिव्यू मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।